बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दिन भर किए नहीं, दिन भर मैं सो ही रहा था, मजे कर रहा था बस। मन होता है तब ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं। तो गाइस आज है ना, हम पूरे घर वाले सो रहे थे बस, इसके अलावा ये बाहर घूम रहा था। तो गाइस गुड न्यूज है, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो मम्मी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मैंने बोल दिया था बट आपके सामने तो बोलना बनता ही है। तो गाइस सबसे फर्स्ट विश मेरा ही था। रात को 12 बजे प्यू जग रही थी। मेरा था। हाँ ठीक है, तेरा था। तो मम्मी बना रही है अभी केक, और केक खाने के लिए आने वाले मम्मी बुलाएगी जिनको आने वाले, वरना आएगी नहीं आएगी पता नहीं। एक्चुअली मैं बनाने वाली नहीं थी केक, और कट करने का मतलब इतना शौक भी नहीं है केक की, उनके पापा को इतना शौक नहीं था। फिर भी मैं आज घर का केक बनाने वाली थी, क्यों कि कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए उनके लिए घर का केक बना के खिलाना चाहती हूँ। तो अभी बनाती हूँ घर का केक। तो गाइस व्लॉग आगे से आगे देखते रहिए, क्योंकि घर पे कौन मेहमान आले 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 तो कौन मेहमान आले वाले आने वाले। मम्मी के एनिवर्सरी के दिन भी मम्मी बर्तन धो रही है। काम तो करना है, एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी में, इससे क्या लेना देना, काम तो करना पड़ेगा, इससे क्या लेना देना। तू काम नहीं कर सकती? तू कर रही हो ना काम? क्या कर रही हो ना, क्या कर रही है तू? नहीं कुछ नहीं कर रही तू। मम्मी क्या बना रहे हो अभी? केक कौन सा वाला बनाया? बटर स्कॉच, माय फेवरेट। तेरा फेवरेट बटर स्कॉच? जो सामान अवेलेबल है वही बना रही हूँ। चॉकलेटी का सामान अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ये बटर स्कॉच और पाइनएप्पल का, तो बटर स्कॉच बना रही हूँ। आई लाइक इट, आपके पीले पीले दांत। तो गाइस मम्मी अभी बना रहे हैं क्रीम, केक की क्रीम बना रहे हैं, केक की क्रीम मम्मी बना रहे अभी। तो गाइस अभी केक बन गया है। तभी विमला दीदी कुछ बताने वाले। फोटो खा तो क्या हुआ है? अरे बैठ जाओ। क्या हुआ किचू? दिमाग खराब तो नहीं करो? किसका दिमाग खराब हो गया है? जो मैं देखे रही क्या मारी पाती का एक बार हाय करो। हाय शहर नहीं बैठ रहा।